ठीक हो ना, तुम्हारा कुछ ठीक है क्या? तुम तो ने मुझे कोई चीज नहीं लेके, मेरी ऐसी हालत थी। अभी दानिश क्या हाल है? आपको क्या बताऊँ, मसला मेरे अंदर ही है, कोई कमी है जो समझ नहीं आ रही है। मतलब कैसे बताऊँ, कुछ पता तो लगे ना यार मुझे, बता दो मैं तेरी हेल्प करूंगी। बस यही जो डेली की टेंशन होती हैं, कमजोरियां वगैरह, तो ये बड़ी परेशानियां जो मतलब मैं चाह रहा हूँ कोई हल कर। ला मेरे यार तू फिक्र ना कर, मैं तेरी परेशानी समझ गया हूँ। तू घर चल, मैं शाम को अली दवाखाना से तेरे लिए तोहफा ले करता हूँ जो तेरी जिंदगी में खुशी खुशियाँ ले आएगी और तेरी परेशानी जड़ से खत्म कर देगी और झगड़े तो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। ले फिर मैं थोड़ी सी जॉगिंग कर लूँ, मुझे शाम को मैं घर मिलता हूँ। ओके क्या चीज हो तुम, तुमने मुझे जलील करके रखा हुआ इस दुनिया में। मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं। फिर मैं क्या करूं, मेरा क्या हाल बना के रखा हुआ, मेरे कपड़े, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं। क्या चीज हो तुम, मैं फिर किधर जाऊं। तुम ना अकेले रोइए, पकड़ो अपने पास, हर चीज तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं, फजूल मेरा टाइम दिमाग खराब हो रहा है तुम्हारे साथ। इतना मैं पहले ऐसी थी, मेरा सर फट रहा है तुम्हारे साथ रह रहा है। तुमने मेरे साथ ज्यादती की है, तुमने, मैंने नहीं की। मैं क्या करूं मुझे बताओ, मैं क्या करूं बताओ। मैंने अपने दोस्त से बात की है, मेरा दोस्त मिला था आज, मैंने उससे बात की है, मैं ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। एक उसका दोस्त है दिल्ली दुआ खाना, वो सारे मामले से मेरा क्या मतलब है, मुझे सारे मामले से आपका मतलब है, मेरा मतलब आपको, मेरे से इशू का तो मेरे ही मतलब होगा। आपका इशू तो ये खत्म ही नहीं होना, पता नहीं कब खत्म होगा। हो जाएगा, उसने कही ये ओके हो जाएगा। उससे बात करो, जितनी भी जल्दी बात हो सकती है, इस मामले का हल निकालो। इसका शाम का कहा था, अब शाम तो वो आया क्यों नहीं, तुमने उसे पूछा था ना? अभी मैंने उसे फोन किया था, वो आ जाएगा अभी, अभी बात नहीं। मैं आपकी ये बातें सुन सुन के ना थक गई, इतना दिमाग खराब हुआ है ना कि कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। हाँ भाई दानिश क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आप सुनाओ घर का क्या कुछ है? फिर परेशान लग रहा है भाई, वैसे जिंदगी पे जो आपको बताया था वैसे ही लाभ है, तंगी वगैरह वैसे ही है। परेशानी को छोड़ और ये देख, प्रोफेसर हकीम अली वकास साहब के पास जाके देख लिया, स्पेशल मजूरी शादी कोर्स लेके आए हूँ। ये तो बहुत अच्छा आपने यार फायदा कर दिया, जरा दिल खुश कर दिया। इसको इस्तेमाल कर, इसकी हिदायत तुम मुताबिक। मैंने भी इसको इस्तेमाल कैसे करना है, मैंने भी इसको इस्तेमाल किया था, इसके अंदर इसकी हिदायत मौजूद है, उसके मुताबिक इसको मैंने इस्तेमाल किया था, तूने भी इसको इसी के मुताबिक इस्तेमाल करना। तो आपको इसका रिजल्ट कैसा लगा? मेरी जिंदगी में देख खुशी खुशी को भी मुझे बड़ा परेशान देखा है। आपसे बहुत ही खुश हूँ, मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कितना खुश हूँ आपसे। मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ती हूँ, मैं आपके लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आपको ऐसे ही हमेशा लंबी उम्र दे। मैं आपसे लड़ी हूँ, मैं बहुत मतलब कि आपको गुस्से में काफी बातें की हैं, उसके लिए मैं आपसे माजर चाहती हूँ कि मैंने बहुत ज़्यादा गलतियाँ की हैं, मेरी सॉरी। कि मैं बहुत खुश हूँ अल्लाह पाक हम दोनों के ऐसे ही हमेशा खुश रखे, और मैं चाहती हूँ कि जितनी भी इस दुनिया में लड़कियाँ हैं, जितनी भी हैं, ऐसे ही हम सबको आप जैसा शौहर मिले। मैं बहुत खुश हूँ आपसे और मैं दुआ करती हूँ कि सबको ऐसे शौहर मिले। आप मेरा नहीं, आप प्रोफेसर हकीम अली वकास साहब का शुक्रगुजार करें जिन्होंने हमें ये कोर्स दिया और उससे हमें हमारी ज़िंदगी खुशहाल हुई। और मैं यही चाहता हूँ कि जितने भी जिन लोगों की शादी हुई है वो ये कोर्स इस्तेमाल करें और अपनी शादी को अच्छे तरीके से इंजॉय करें और गुजारे। हाँ। मैं बहुत ज़्यादा दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ प्रोफेसर हकीम अली वकास साहब का जिन्होंने मैं ये मुझे ने शादी कोर्स दी है, और मेरी वाइफ भी इससे बहुत खुश है। हम दोनों बहुत ही इसकी वजह से बहुत ही हमारी जिंदगी में खुशहाली आई, तो बहुत बहुत शुक्रिया हकीम अली वकास साहब का, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू सो मच।